هذه امطار طلعت الهبوط. شوفوا كيف يسحب السيارات، شوفوا كيف يسحب السياره. لا اله. दोस्तों सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर इस तरह की हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिसमें सऊदी के मक्का, जेद्दा और मदीना और उसके आसपास के एरिया में इतनी ज्यादा भारी बारिश हुई है कि बारिश की तबाही देखकर आप ये यकीन ही नहीं करेंगे। ये उसी देश में बारिश हो रही है जिस देश की एवरेज रेनफॉल, औसत वर्षा, औसत बारिश जो होती थी वो कभी 10-15 सेंटीमीटर से ज्यादा गई ही नहीं है। ये उसी देश में इतनी भारी बारिश हुई है कि जैसे लग रहा है यहाँ पर आर्टिफिशियल नदियाँ बनाई गई हैं। पहले ये आप वीडियोस देखिए, उसके बाद में बात करते हैं कि आखिर इतनी भारी बारिश की वजह क्या है। مساء هذا اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024 दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये उसी का रिएक्शन है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब ने बगैती की है नेचर के साथ, इसी वजह से इतनी ज़्यादा भारी बारिश हुई है। बताता हूँ कैसे दोस्तों। दरअसल बात यह है कि जो रेड सी वाला एरिया है, इस एरिया में इस टाइम पर तूफान चल रहे हैं, छोटे मोटे तूफान उठे हैं जिनकी वजह से आसमान में बादल बने हैं और उन बादलों के साथ सऊदी अरब ने क्लाउड सीडिंग की है जिसकी वजह से इतनी भारी बारिश आपको देखने को मिल रही है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि क्लाउड सीडिंग क्या होती है, जल्दी से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्लाउड सीडिंग में बादलों को जबरदस्ती बरसने पर मजबूर किया जाता है। दोस्तों प्लेन में सिल्वर आयोडाइड नाम का एक केमिकल भर के बादलों के ऊपर छिड़क दिया जाता है जिससे बादल बरसने पर मजबूर हो जाते हैं। जब नेचुरली बादल बरसते हैं तो वो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा दूसरी जगह पर बरसते हैं, लेकिन जब उनको जबरदस्ती बरसाया जाएगा तो नतीजे इसी तरह के मिलेंगे जो कि आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि सऊदी अरब या फिर जो गल्फ कंट्रीज में नेचर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, आप लोगों ने सुना होगा इससे पहले दुबई में क्लाउड सीडिंग की गई थी, वहाँ पर भी आप नतीजे देख सकते हैं, ठीक वही नतीजे अब आपको सऊदी अरब में देखने को मिल रहे हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि सऊदी अरब ये जो कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ये किस हद तक सही है या फिर एकदम ही गलत है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।